अब मैं सुरूर कैफियत के साथ काफ लगाने का तरीका आपको बताता हूँ। आप इसको देखें और इसकी खूब मशक करें ताकि आपका हाथ खुशखत हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ अलिफ का ये काशकश जो है ये बिल्कुल इसके ऊपर के हिस्से से लगनी चाहिए, सर नीचे ना लगे। कब ये देखिए ये बिल्कुल उसी बात की तरह काफ पीछे से काफ लगा शुरू हिस्से में और अब वही बात की शक्ल बनानी है। वही बा का ये तीन काट के बराबर और ये चार काट के बराबर आए। कत कज ये देखिए ये जेम कद कर कस कश दायरों की तरफ ऐसे ध्यान रखना है कि सारे दायरे एक जैसे हों, बड़ा छोटा ना हो। ये आप जितनी मशक करेंगे उतना ही ये दायरे आपके हाथ में पुख्ता हो जाएंगे। कस कश हो गया और ये अब स्वाद कत काफ और त्वा यहाँ से राउंड के साथ लगा दें। कत का काफ और ऐन कफ
फा के बाद काफ कक काफ उसी तरह है जिस तरह आप अलग काफ डालते हैं। अब काफ कक कग जी जब काफ रहेंगे तो इस हिस्से से नीचे नहीं आना चाहिए, इसके बराबर रहना चाहिए। कल कल अब ये कल के ऊपर पूरी कलम नहीं लगती, ये जो काफ हम बनाएंगे ये पौनी के करीब आधी से ज़रा ज़्यादा ये आप लगाएंगे यहाँ, ये कलम के कोने से ही बनेगा। नाम आपका पूरा आठ काफ का ये काफी यहाँ जोड़ लें। कम ये देख मीम इसके साथ इस नुक्ते आधे आधा नुक्ता जो इस्तेमाल करना है हमें ये उल्टा नुकता, इस आधे से मैंने कलम ये नीचे बुलाई कान ये काश है ना आधी यानी कलम का आधा हिस्सा यानी आधे का के बराबर ये काश मोटाई में आएगी को का ये दो तीन ये जो है ये इकट्ठी लिखी कला कला के ऊपर कलम पूरा लगेगा यानी कल की तरह नहीं
सकते हैं। जी जी भी इसके साथ ऐसे शामिल कर लें कि काफ ये कि ये हुरूफ अब्जद के साथ मैंने जो काफ का काफ लगाया है ये अब पट्टी मुकम्मल हो गई है। आइए अब नुक्ते लगाते हैं। कब कात काज कफ कॉक कान ये नुक्ते मुकम्मल हो गए। हुरूफ अब्जद के साथ काफ जो मैंने आपके सामने लिखा है और लगाया है ये हमारी पट्टी मुकम्मल हो गई है और अब इसके बाद जो है वो पट्टी होगी मीम की। मीम हम इन्हीं हुरूफ अब्जद के साथ लगाएंगे। अल्लाह हाफिज़।